बवाल होगा। योगी जी क्या बात हो रही है क्या बात हो रही है? मेरे को ये चाहिए कोई नेता मंत्री जितने वीआईपी हैं, जो रामविलास पासवान गरीबों के नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, सामाजिक परंपरा के नेता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, और हम लोग सुबह से यहाँ आके रामविलास पासवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेता मंत्रियों का इतना भीड़ भाचक्का है, जबकि सारे नेता मंत्री जानते हैं हम लोग को दर्शन करने नहीं देने दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये संविधान के खिलाफ, समाज के खिलाफ ये अन्याय है। व्यवस्था इसके बारे में क्या करते हैं? मैं चिराग पासवान से यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे आने वाले नेतृत्व के नेता चिराग पासवान हैं, और चिराग जी बाहर आए, हम गरीबों को, हम लोग को, समाज को, सामाजिक परंपरा को संबोधित करें। अगर हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है रामविलास पासवान जी से कम चिराग जी बाहर आए, चिराग जी हम लोग को संबोधित करें, हम चिराग जी को अभिवादन करें, हम अपने नेता का जो समर्थन या जो भी श्रद्धांजलि जो भी है हम वो कर देंगे, दे देंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर ये पासवान जी ने कभी किसी नेता मंत्री के मोहताज नहीं हुए, वो पब्लिक के नेता रहे, पब्लिक के, जनता के, और चिराग जी में भी वो बात है, आज भी है। चिराग पासवान ही बिहार का नेतृत्व करेगा, आने वाला भविष्य में चिराग पासवान जैसा कोई नेता बिहार में नहीं होगा, क्योंकि लालू जी भी फेल हो गए, नीतीश जी भी बूढ़े हो गए, अब आने वाला बिहार का भविष्य मेरा चिराग पासवान है। जो यहाँ पर वीआईपी कल्चर चला हुआ है, ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, और ये कि किसी नेता के एक्सपायर होने पे पब्लिक के साथ संवैधानिक पद पे सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश करे, और सुप्रीम कोर्ट में हम इसको केस दायर करेंगे। अभी हजारों की तादाद में जो समर्थक पहुंचे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए इसका कारण है, उनको लगता है कि अगर हम मिलने नहीं देंगे तो ये पासवान से विपरीत हो जाएंगे। हम पासवान के समर्थक हैं, चिराग पासवान के समर्थक हैं, और सदा ही उसके समर्थन में रहेंगे, और चिराग जी को आगे बढ़ाएंगे, और चिराग जी को प्रोत्साहन देंगे, और चिराग को पूरे बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देख सकते हैं कि गरमा गर्मी हो चुकी है, पुलिस प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, बट अभी जो है कि कहीं ना कहीं कोताही नजर आ रही है, और किस प्रकार जो है कि पुलिस से की ढील नजर आ रही है। क्योंकि ये क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन भी प्रोटोकॉल का जो बात कर रहे थे? अरे प्रोटोकॉल सब फराड है, गृह मंत्री मंत्री आ रहा है, MP आ रहा है, MLA आ रहा है, साधु को जाने नहीं दे रहा है, और ऊपर से कहता है कि मैं धर्म बना रहा हूँ, मैं राम मंदिर बना रहा हूँ, बकवास बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम रामविलास पासवान हमारे नेता हैं, रामविलास पासवान को मानते हैं, चिराग पासवान का हम समर्थन करते हैं, चिराग पासवान को मानते हैं, बाकी हम किसी को नहीं मानते, चाहे भीड़ है, लोगों को तांता लगा हुआ, जो समर्थक ऐसे ही पहुंचे हुए हैं यहाँ पर रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देख सकते हैं काफी लोग जो है कि काफी देर से वेट कर रहे थे, जो है कि थोड़ी गहमा गहमी होने के बाद जो अंदर जाने का जो है दर्शन करने का जो है मौका दिया जा रहा है, और इससे पहले जो है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी, गृह मंत्री, राज्य अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे, और इससे पहले जो है कि अपने राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी पहुंचे थे, तो उसके बाद भी जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको दर्शन करने की अनुमति अब मिल चुकी है। जय श्री नाथ जी की। ये क्या है, ये पाखंड लगा रखा है, हम दो दो घंटा से यहाँ, सबको डर लगता है, आप मिल लिए हमको नहीं मिलाओगे क्या? ये क्या आपके पुलिस प्रशासन सिस्टम व्यवस्था ऐसा? इनको बोल दो हमको लात जूते मार दे, नाथ संप्रदाय का नाम हो जाएगा। बीजेपी वाले को कहिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।